कैसे हैं आप? उम्मीद है मेरे सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। और जैसे कि मेरे सब भाइयों को पता है कि माशाल्लाह हमारा ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। देखें माशाल्लाह मैं भी बॉक्स इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद एक छोटी सी टिप है जो मैं खास तौर पर उन न्यू फैंसियर्स मेरे भाइयों को देना चाहता हूँ जो महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लूज पैकिंग में परचेज करते हैं और वो उनकी सही तरह केयर नहीं कर पाते। जिस भी प्लास्टिक के जार में उसको रखते हैं, हवा में नमी की वजह से या फंगस की वजह से वो बिल्कुल खराब हो जाता है उनका मल्टीविटामिन सीजन में और विदाउट आउट ऑफ सीजन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने जितने भी ये बर्ड से रिलेटेड मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स होते हैं, आप किस तरीके से उसको बिल्कुल महफूज रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं और कभी भी आपका वो मल्टीविटामिन वगैरह खराब नहीं होगा, चाहे वो सीजन होगा चाहे वो आउट ऑफ सीजन होगा। और हाँ, खराब सिर्फ तभी होगा जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो चले फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमारे घर में जितने भी जैम के जार्स खाली होते हैं या अचार के जार्स खाली होते हैं, उनके अंदर आपने बिल्कुल उसको सेव करके रखना है, आपने उसको वेस्ट नहीं करना। आप यकीन करें कि इससे ज्यादा बेहतर तौर पर कोई भी एयरटाइट जार नहीं है जो मार्केट से मिलता है। इतने महंगे एयरटाइट जार मार्केट से मिलते हैं और किसी ना काम के, मैं ये सारे तजर्बे कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से आपके सप्लीमेंट्स को, आपके कैल्शियम को महफूज रखता है। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे, मेटल का इसका ढक्कन होता है और इसके अंदर इस तरीके से ये एक रबर लगी होती है। ये आपको रबर नजर आ रही होगी, ये रबर का जो काम है ना, इसको एयर टाइट रख रहा है कि इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाएगी। और जब इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो ये कभी भी फंगस नहीं लगेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने आज ही अपने सारे मल्टीविटामिन जितने भी कैल्शियम थे मैंने इन जार्स में शिफ्ट किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखें ये डीन्यूट्रिकल है। अब मैं करता क्या हूँ, मेरा तरीकेकार क्या है कि मैं इसके ऊपर डीन्यूट्रिकल मेंशन करता हूँ और साथ इसकी एक्सपायरी डेट में यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, एक्सपायरी 9/2025। अब यकीन करें, जब तक ये मेरे पास है 2025 तक ये खराब नहीं होगा, एक्सपायरी डेट तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसको फंगस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने देखें जितने भी मेरे पास घर में ये नेशनल का, अचार का और ये जिनके मेटल के ढक्कन होते हैं, आपने इन सारे जार्स को वेस्ट नहीं करना, महफूज रखना है। और आप यकीन करेंगे, आप इसके अंदर जब अपने सप्लीमेंट्स वगैरह रखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है और ये कभी भी फंगस नहीं लगेगा और खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक छोटी सी टिप थी जो मैं अपने भाइयों को देना चाहता था ताकि जो लॉस, जो नुकसान मैं कर चुका हूं वो आप ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ और मेरी बात मेरे तमाम भाइयों को समझ। फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें जिस तरीके से हम ये मार्केट से जार्स वगैरह लेते हैं, आप यकीन करें कि इसके अंदर आपकी हर प्रोडक्ट खराब होगी। अब ये देखें, ये प्राइम मैंने इससे पहले इस पर रखा हुआ था और इस सीजन वो बिल्कुल भी यूज करने के काबिल नहीं था, हालांकि तकरीबन आधे से ज्यादा ये भरा हुआ था और उसको फंगस लग चुका हुआ था। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद ये है कि ये छोटी सी काविश है मेरी, तो आप इस पे इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपका कभी भी कोई लॉस नहीं होगा और आपके सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी बात मेरे भाइयों को समझ आ गई होगी और मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो एंड करते हैं और जाने से पहले मैं अपने तमाम भाइयों को कहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो बनाने का और नई से नई वीडियो बनाने का जो टिप्स जिससे हमें फायदा हुआ होगा वही हम इंशाल्लाह आगे मैं अपने भाइयों को ट्रांसफर करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।